आखिर क्या आज भी जिंदा है रावण, और कैसे मिले आखिर लंका में रावण के जिंदा होने के प्रमाण? क्या सच में वैज्ञानिकों ने खोज निकाला रावण का शव? श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं जो बीते हुए काल रामायण के बारे में बताते हैं। यह बात तो सभी जानते हैं कि जब भगवान श्री राम और लंका के राजा रावण के बीच में महायुद्ध हुआ था, तब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया था। रावण का शव विभीषण को सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। अगर आज हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं है और वह आज भी जिंदा है और इसी धरती पर है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। तो आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए एक शुरू करते हैं। दरअसल श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जिनमें रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, और इसी में एक ऐसी जगह है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के अनुसार श्रीलंका के रेणुगा जंगलों में एक विशालकाय पहाड़ी है जहां पर रावण की गुफा मौजूद है। यह गुफा काफी लंबी है और कहते हैं कि यहां पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। शोध में यह पता चला है कि रावण इसी गुफा में आकर पूजा पाठ और भगवान शिव की आराधना किया करता था। रेणुका की पहाड़ी पर यह गुफा 8000 फीट की ऊंचाई पर बनी है, जहां पर 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस जंगल में आज तक किसी ने कदम नहीं रखा। रावण के मरने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजभार तथा रावण का शव भी सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार के ही छोड़ दिया था। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए और उसे उसी गुफा में ले गए जहां वह पूजा किया करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। इससे उन्हें यह उम्मीद थी कि वह जिंदा हो जाएगा, आज नहीं तो भविष्य में ही सही। रिसर्च के अनुसार रावण की मम्मी रेणुका के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत्यु शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा और शायद वह कलयुग में होगा। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास तरह का लेप लगाया हुआ है। कहा जाता है कि उस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है, और हो भी क्यों ना, उस ताबूत की लंबाई 17 फुट और चौड़ाई है 5 फुट। और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इस ताबूत के नीचे ही रावण का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, और उस घमंड की वजह से रावण ने भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण किया था। लाख समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो राम और रावण के बीच में महाभयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकतवर सेना थी, परंतु अहंकार वर्ष वह युद्ध में मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। रावण ने जिस जगह पर माता सीता का अपहरण करके उन्हें रखा था, उस जगह के पास एक चट्टान है, और उस चट्टान पर हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा, श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है
जिसका नाम है रावनासकीप। इसे रावण एला के नाम से भी जानते हैं। यह गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है, जहां पर रावण ने कुछ समय बिताए थे। यह जगह समुद्र के तल से करीब 4,400 फीट की ऊंचाई पर है और यहां पहुंचने के लिए एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। इस गुफा तक जाने की सीढ़ियां भी अब टूट चुकी हैं। रावण ने माता सीता को वैसे अशोक वाटिका में रखा था और यह बात हम सभी जानते हैं, और वह भी यहां से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घना जंगल होने की वजह से अक्सर यहां खतरनाक जानवरों के आने का खतरा बना रहता है, और रावनास के पास ही एक झरना है जिसे रावनास पोल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में रावण गोंडा नाम की एक जगह भी है, जहां पर कई गुफाएं और सुरंगें हैं। यह भी कहा जाता है कि यह रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं, जहां पर रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया हुआ था, और कहते हैं कि यह गुफाएं सीधा होंडरस भी जाते हैं, जहां पर पाताल के राजा अहिरावण का राज था। रावण का जिंदा होना आज भी एक शोध बना हुआ है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार यह लगता है कि रावण का शरीर आज भी सुरक्षित और सही सलामत रखा है, और ऐसा हो सकता है कि कलयुग में फिर से रावण कलि पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाए। तो क्या उस समय भगवान कल्कि, जो भगवान विष्णु के अवतार होंगे, उनके सामने यह चुनौती होगी कि वह कलि पुरुष के साथ साथ रावण के साथ भी युद्ध करेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।